तो नमस्कार, आज हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाले जी के पोर्टफोलियो से। और उसके अंदर एक स्टॉक ऐसा है जो अभी काफ़ी अच्छे टारगेट के साथ आपको दिखाई देगा, और जो अभी न्यूज़ आ रही है कि लगभग जो उसके टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है। और रिसेंटली उसने एक अच्छा खासा डिप यानी कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी थी, और आज मैं उसी शेयर के बारे में डिस्कस करूँगा जिसके अंदर राकेश झुनझुनवाले की बहुत अच्छी होल्डिंग है, और काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाई थी। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपको बना सकता है मल्टीबैगर, और वाकई में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके भी दिए हैं रिसेंटली, और अभी भी इसके अंदर फ्यूचर में जो आप रिसर्चर ने इसके ऊपर टारगेट बताए वो बहुत अच्छे बताए हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार, तो मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट लगा दिया है, लगभग एक महीने का मैंने चार्ट लगाया जिसके अंदर मैं आपको एक डिप दिखाना चाहता हूँ। ये लगभग 204 रुपये की डिप नज़र आ रही है, और ये 22 नवंबर की बात है, और आज जब इसका प्राइस आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं लगभग 254 रुपये। तो 254 की जो जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही है, और अभी भी जो इसके अंदर एक करेक्शन जो आनी थी वो आ चुकी है। अब जब जो इसके अंदर एक सबसे बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा जनरेट जो रिटर्न है आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, यानी कि आपको ये जल्द से जल्द लगभग 300 रुपये के टारगेट आराम से दिखा सकता है। इसके अंदर एक अच्छी खासी 204 रुपये तक की जो डिप आई थी, और उसके बाद अब जो मार्केट के अंदर करेक्शन ख़त्म हो चुका है काफ़ी टाइम से, आप देखेंगे लगभग एक वीक इस पूरे वीक में अगर आप देखें, और पिछले वीक में भी जब आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी जो करेक्शन आई थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। रेगुलरली जो अब इसके जो प्राइस है वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 22 नवंबर को इस शेयर का जो प्राइस था वो लगभग 254 रुपये था, और आज की डेट में देख रहे हैं तो इसका जो प्राइस आ रहा है आपको लगभग 254 रुपये नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 204 से। तो अब हम जो डेफिनेटली जो इसके अंदर न्यूज़ आ रही है वो आ रही है इसकी रिसर्च की, काफ़ी सारे रिसर्च फॉर्म ने अब जो टारगेट दिखाए हैं वो लगभग 300 रुपये के टारगेट इसके बताए हैं। ओवरऑल इसके एक साल के जो चार्ट है वो दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे लगभग 30% तक के इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग इसने 300 रुपये का टारगेट भी टच किया है। तो फर्दर एक अच्छी खासी जो गिरावट आई थी, जो एक करेक्शन आया था वो आपको यहाँ से नज़र आया, और अब जो दोबारा से ये अब 300 रुपये के जो टारगेट अब नए नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ तक ये दोबारा से आपको 300 रुपये के टारगेट जल्दी दिखाता हुआ नज़र आएगा, जो रिसर्चर ने इसके ऊपर अपनी एक जो नई रिसर्च निकाली है जिसके अंदर आपको ये जल्द से जल्द 300 रुपये के टारगेट, 300 रुपये के जो नंबर है वो जल्द से जल्द आपको दिखा सकता है। फर्दर मैं बात करूँगा इसके अदर जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग गेन ऑन लॉन्चिंग दी 1000 करोड़ का जो NCD इशू है वो लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर जो फर्दर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पब्लिक इशू ऑफ दी बॉन्ड, यानी कि ये 1000 रुपये के पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं ताकि और ज़्यादा अपने जो रियल्टी सेक्टर के अंदर अपना अच्छा खासा दमखम बना सके। तो यानी कि ये न्यूज़ भी आज ही आई है, और आज के बाद से भी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो करेक्शन जो थी, एक अपमूव जो थी, जो कई बार क्या होता है ना, जो मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है वो बहुत पहले से ही अंदर की बात होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी जो रिकवरी नज़र आई आपको, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर।